नमस्कार सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का स्वागत है आज की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो बहनों आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, खासकर कि जो बिहार की आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। जैसे कि बता दें कि खबर मिल रही है कि बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों का जो है खुलना शुरू हो चुका है, तो क्या बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र की जो भी सेविकाएँ हैं वो पोषण ट्रैकर ऐप पर काम करेंगी या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ पोषण ट्रैकर ऐप में जो बिहार को छोड़कर अदर आंगनबाड़ी सेविका जो काम कर रही है उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उसका वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिलेगी। और आप लोग हमें इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाती है वो सटीक दी जाती है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो 19.7.1 का जो अपडेट आया था, इसमें हमने आप लोगों को बताया था कि इस अपडेट में कोई भी ऐसा खास चीज़ नहीं है। जैसे कि दो अपडेट आई थी, हॉट फिक्स और ऐप ऑप्टिमाइजेशन, तो वो सारी चीज़ें जो पोषण ट्रैकर ऐप में आप लोग काम करते हैं तो आप लोगों को कहीं भी कुछ पेंडिंग वगैरह होता है तो उन चीज़ों को ठीक किया जाता है। बाकी जो आप लोगों का पोषण ट्रैकर ऐप है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ काम कर रहा है, कोई भी काम यहाँ पर पेंडिंग वगैरह नहीं हो रहा है। अगर कोई भी इस प्रकार की दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अब बात करेंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो बिहार की आंगनबाड़ी सेविकाएँ हैं उनको आज से काम करना है या नहीं करना है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो के माध्यम से दिखाया था कि जो बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के जो महासचिव हैं कुमार बिंदेश्वर जी, उन्होंने अपने साफ शब्दों में कहा था कि बिहार में अभी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुलेंगे। ठीक है, तो कई जगहों पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि बिहार की जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं वो अपने केंद्र को खोल रही हैं और पोषण ट्रैकर ऐप पे काम कर रही हैं। अभी फिलहाल कहीं पे भी इस प्रकार की कोई न्यूज़ नहीं मिल रही है कि जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं वो अपना हड़ताल तोड़ चुकी हैं, हड़ताल अभी जारी रहेगा। ठीक है, छठ को लेकर जो सेविका सहायिकाएँ बहने थोड़ी धीमी है, लेकिन छठ के बाद फिर से जो सेविका सहायिका बहने हैं फिर से हड़ताल करेंगी। देखिए इतना कुछ हो जाने के बाद अब सेविका सहायिका बहने हड़ताल तोड़ देंगी तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, बात आती है जहां तक कि सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्ति का जो भय दिखाया जा रहा है, तो देखिए अभी आप लोगों को कोई भी ऐसा लेटर जारी नहीं किया गया है कि जो सेविका सहायिका बहने हैं उनको चयन मुक्त कर ही दिया गया है। सिर्फ ये अफवाह फैलाई जा रही है जिसके डर से जो सेविका सहायिका बहने हैं हड़ताल से वापस आ रही हैं। तो अभी आप लोगों को एकजुटता बना के रखनी है, साथ में आप लोग मिलके संघ के साथ आवाज़ उठाएंगी ताकि आप लोगों का जो मानदेय है या जो अपनी मांग है वो आप लोग पूरा कर पाएँ। देखिए आधे रास्ते में आप लोग अगर हड़ताल तोड़ती हैं तो आप लोगों को कोई भी फायदा नहीं होगा, बशर्ते नुकसान को छोड़कर। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप अपना हड़ताल तोड़ चुकी हैं या आप अभी भी हड़ताल जारी रखेंगी। इन सारी चीज़ों के बारे में जो भी है आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा ताकि हम आप लोगों को आगे के वीडियो में और भी जो खास इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता सकें। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और आप लोगों का जो भी राय हो आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।